हेलो दोस्तों, माय नेम इज निशांत। निश स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे लेक्चर की नोटिफिकेशन और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एट निश स्टडी आईक्यू के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम आज देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा लाई गई दो स्कीम को, सागरमाला और जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को, और दूसरी तरफ देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र को और संकल्प एंड स्ट्राइव को। तो दोस्तों, जो पहली स्कीम है हमारी, ये सागरमाला, इसको लॉन्च करा था सरकार ने 2015 में। इसमें क्या था कि ये पोर्ट को डेवलप करेंगे और पोर्ट से जितना भी आसपास का इंडस्ट्रीज है या कुछ वो है उसको कनेक्ट करेंगे पोर्ट से, और क्या कहते हैं, ये कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन को इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन आता है कि सागरमाला प्रोजेक्ट क्यों लाया गया, तो जो अब तक क्या था कि जो 95% इंडिया का ट्रेड था ना वॉल्यूम में, वो सी पोर्ट से होता था। तो और क्या कहते हैं, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी थी पोर्ट से, यानी कि जो अगर पोर्ट से अगर हमारी सेंट्रल इंडिया की तरफ या फिर नॉर्थ और साउथ में जो पोर्ट में जो डिस्टेंस था ना इन सिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा था, और क्या कहते हैं, इसकी मूवमेंट जो है कार्गो की उसमें दिक्कत आती थी, वो टाइम लेता था। जैसे इंडिया में क्या था कि वो 4 से 5 दिन डीले रहता था, जो ग्लोबल एवरेज टाइम था वो 1 से 2 दिन का। तो इसलिए इस सागरमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया, और इसके बेनिफिट ये है कि जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट है इसको सेफर माना जाता है, और ये चीपर भी और क्लीनर भी है। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट थे इस स्कीम में, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, कि पोर्ट को मॉडर्नाइज तो करेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट है ना उनको मॉडर्नाइज करेंगे और नए नए पोर्ट डेवलप बनाए जाएंगे। अब तक क्या है, इंडिया में 12 मेजर पोर्ट है और कम से कम 200 जो माइनर पोर्ट है छोटे छोटे। अब क्या करेंगे, इन्हेंस करेंगे पोर्ट कनेक्टिविटी को, यानी कि पोर्ट से लेके जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है ना उसको कनेक्ट कर देंगे, ताकि स्मूथ मूवमेंट रहे और इंडिया का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उससे उसको इसमें इम्प्रूवमेंट मिले। अब क्या है, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जितना भी पोर्ट के आसपास का एरिया है ना उसको इंडस्ट्रियलाइज कर देंगे, ताकि जो हमारा कार्गो का या फिर ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट होगा पोर्ट से लेके इंडस्ट्रीज तक, उसका टाइम बच सके और कॉस्ट कटिंग को कर सके। फिर क्या है, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, अब जितनी भी आसपास की कोस्टल कम्युनिटीज़ है ना उनका डेवलपमेंट होगा, उनको वहाँ पर नौकरियाँ मिल पाएगी आसानी से, उनको कहीं माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करा गया है 2 लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो जो सेंट्रल लेवल पर है, एक सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इसको ना सेटअप करा गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में। और क्या कहते हैं, जो स्टेट लेवल पर है, एक स्टेट मैरिटाइम बोर्ड या फिर जो स्टेट पोर्ट डिपार्टमेंट है ना वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो दोस्तों, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर दोनों अलग अलग है। फिर ये देखिए, ये क्या कहता है, ये हमारे जितने भी पोर्ट है ना ये कनेक्ट है, जैसे ये इंडिया का ये गुजरात के यहाँ से ये पर्शियन गल्फ से होता हुआ यहाँ पर ये जिबूती की तरफ, यहाँ ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहा है, नीचे ये मालदीव्स मॉरिशियस की तरफ, यहाँ ये इंडोनेशिया की तरफ। तो दोस्तों, अब हमारी स्कीम आती है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, अब तक क्या है होता था हमारा ना, इसमें डेवलप करेंगे अलाहाबाद से लेके यहाँ हल्दिया तक, इसकी ये नेशनल वाटरवे 1 है जो जोड़ता है ये गंगा रिवर को, भागीरथी और हुगली रिवर को, ठीक है। और इस स्कीम में क्या था, ये जो वर्ल्ड बैंक है ना ये टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इससे, ये और क्या कहता है, जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है ना वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो दोस्तों, दो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, कि अगर ऑप्शन में दे देगा कि आप वर्ल्ड बैंक, IMF, इनमें से कौन सा, तो वर्ल्ड बैंक हमारा ऑप्शन रहेगा, और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी इस प्रोग्राम को। और ये क्या है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये नेविगेशन को इंक्रीज करेगा, हमारा जो नेशनल वाटरवे वन है ना जो अलाहाबाद को हमारा हल्दिया से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। और क्या इंपॉर्टेंस है इस हमारे नेशनल वाटरवे वन की, ये जो है 4 स्टेट से निकलता है नेशनल वाटरवे वन, यहाँ पर ये यूपी, इधर बिहार, इधर झारखंड और इधर वेस्ट बंगाल। तो इस रास्ते के बीच में क्या है, हमारी मेजर सिटीज़ पड़ती है, जैसे अलाहाबाद हो गई, वाराणसी, गाजीपुर, पटना, भागलपुर, कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया। तो इससे क्या बेनिफिट होएगा, हमारा जो है डीकंजेशन होगा, जैसे अभी रेल रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना, तो जो हमारे कार्गो की या ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट रहती है उनको डिले होती है इस वजह से। और क्या है, इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कटिंग में बेनिफिट मिलेगा और इससे एक्सीडेंट भी कम होंगे। तो ये जो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है ना ये नेशनल वाटर वे वन को कनेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों याद रखना, नेशनल वाटर वे वन है ये अलाहाबाद से हल्दिया तक। उसके बाद हमारी स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि MoSDE के अंदर। तो दोस्तों याद रखना, ये जो ये मिनिस्ट्री है ना इसका काम ही है स्किल डेवलपमेंट, तो इसलिए
इन्होंने स्कीम निकाल रही है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल यानी कि स्किल हो गया, विकास यानी कि उसको डेवलप करना, यानी कि स्किल को डेवलप करेंगे। तो इस स्कीम में क्या है, जो इसमें ट्रेनिंग से स्किल को डेवलप करा जाएगा, उनकी सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाया जाएगा और उनमें क्या हो, एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर डेवलप करा जाएगा। और क्या कहता है, फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी जिससे इम्प्रूव होगी। अब जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो इनको ना प्लेसमेंट भी दी जाएगी इन कैंडिडेट्स को, ताकि वो नौकरियां कर सके। और फिर क्या कहते हैं, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, लेकिन जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा ना, वो करेगा NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो दोस्तों याद रखना कि ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, अब यहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग तो दे दी, अब ये ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाएगी, उसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा। तो ये जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है ना, यानी कि स्किल्स को जो बढ़ाएंगे केंद्र, यानी कि सेंटर, जो ये ट्रेनिंग सेंटर है वो इस स्कीम में दी गई है। तो ये क्या करेंगे, इस स्कीम के जरिए जितने भी इंडिया के यूथ है ना, उनको एक स्किल कैपिटल बना दिया जाएगा। तो इंडिया के यूथ में स्किल्स का जब डेवलपमेंट होगा, तो वो इंडिया को एक स्किल कैपिटल के रूप में देखा जाएगा। तो ये इस्टेब्लिश करेगा एक मॉडल ट्रेनिंग सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के, यानी कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे 744 या 750 के आसपास, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल ट्रेनिंग सेंटर होगा। तो इसको भी इंप्लीमेंट कौन करेगा, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो ट्रेनिंग जरूरी है ना, वो 3 साल की है। तो याद रखना, ऑप्शन में दे देगा कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल। तो दोस्तों 3 साल इसमें ट्रेनिंग का मैंडेटरी है। अब आती है हमारी स्कीम संकल्प एंड स्ट्राइव। तो दोस्तों अब क्या होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंदर आती है। तो अभी ये इसी में वही कर रहा है कि स्किल जो डेवलप करेंगे ना, एक इकोसिस्टम डेवलप करेंगे पूरे कंट्री के अंदर, जिससे क्या होगा, कंट्री का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है ना, उनकी रैंक बढ़ेगी। और फिर वो सप्लाई करेंगे एक स्किल वर्कफोर्स को इंडस्ट्री के अंदर। जब स्किल्स को डेवलप करेंगे तो जो हमारी लेबर है या फिर जो यूथ है ना, उनके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी, तो एक उनको वर्कफोर्स मिल जाएगी इंडस्ट्री के लिए। तो दोस्तों हमारी ये संकल्प और स्ट्राइव में देखना क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आता है इसकी फुल फॉर्म। संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, और स्ट्राइव की फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। तो दोस्तों ये क्या है, ये संकल्प जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये स्ट्राइव सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस है, ये देखो, ये जो आप ऐसे समझो, ये एक तरफ सेंटर है और एक तरफ स्टेट है। आप इन दोनों को समझो कि ये दोनों पति पत्नी है, यानी कि जो ये स्पॉन्सर कर रही है ना, सेंटर स्पॉन्सर कर रही है। तो ऐसे समझो कि सेंटर यानी कि पति ने स्पॉन्सर करा है, और क्या कहते हैं, अब जब स्पॉन्सर करा है, पार्टिसिपेट तो कोई करेगा, तो इसमें स्टेट पार्टिसिपेट करेगी। तो आप इसको समझो पति पत्नी, तो यानी कि ये दोनों है, पति पत्नी दोनों है। तो क्या कहते हैं, सेंटर और स्टेट में यानी कि जो फंडिंग का प्रोसेस है ना, वो दोनों ही आपस में शेयर करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, या तो 50-50 रेशियो में हो सकता है, 75-25 रेशियो में हो सकता है, या 90-10 में हो सकता है। लेकिन ये जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जो सारा फंडिंग का बर्डन है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ऊपर आता है। फिर क्या कहते हैं, इसके अंदर 4,500 करोड़ के आसपास इसमें रुपए लगाए गए हैं, जिसमें से जो 3,300 करोड़ का लोन है ना, ये वर्ल्ड बैंक अकेला देगा। और ये जो स्ट्राइव स्कीम है, ये 2,200 करोड़ रुपए की स्कीम है, जिसमें आधा लोन जो है वर्ल्ड बैंक देगा। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर आज का। तो थैंक यू, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।